लाहौर में एम पी ए असद खोखर के बेटे की दावत वलीमा में उनके भाई मुबशर खोखर के कत्ल की वारदात ने सिक्योरिटी इधारों को हिलाकर रख दिया मुलिम ने वजीर अला के सिक्योरिटी स्कॉड की मौजूदगी में इंतहाई करीब से मुबशर खोखर को मार दिया और फिर गिरफ्तारी भी दे दी उर्दू पॉइंट की वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन आरोप क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो ऐसी बबर रह सकें अलकुम्म उर्दू पॉइंट से मैं हूँ आपकी मेज़बान तहीना शेख नजीन आज मैं उस मार्की में मौजूद हूँ जहाँ पर असद खोकर साहब के साहेबजादे का दावत वलीमा की तकरीब जारी थी ये है वो स्टेज जहाँ पर वुज़रा भी मौजूद थे अहम शख्सियात भी मौजूद थी और वजीर अली पंजाब उस्मान बुज़दार साहब भी इस शादी की तकरीब में शर्क हुए शादी की खुशियाँ बैंड बाजे और इस तकरीब में एक अनहोना हादसा पेश आया वो हादसा मुबशर खोखर को कत्ल करने के हवाले से पेश आया मुबर खोखर को कत्ल एन उस वक्त किया गया जब वजी अलास्मान बुजदार वापस तकरीब में शिरकत के बाद अपनी गाड़ी पर सवार हो रहे थे तो कातिल यानी के मुलजिम फ़ौर से उस्मान बुजदार साहब के पीछे पीछे से गुज़रता हुआ मुबशर खोकर की आँख पर उन्होंने फ़ायर किया और मुबशर खोकर को फ़ौरी तौर पर अस्पताल ले जाया गया लेकिन वो जानवर ना हो सके और जहाँ भक हो गई मैं अपने कैमरामैन से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि इस मार्की का पूरे का पूरा हाल और अहवाल आपको दिखाएं कि ये बहुत बड़ी मार्की है जिसको बेहतरीन खूबसूरत तरीके से सजाया गया और सजाने के बाद यहाँ पर दावत वलीमा की तकरीब जारी थी कि यह अनहोना वाक्य पेश आया आपको बताऊं मुबशर खोकर को मारी गई गोली आर पार भी हो गई है जनरल अस्पताल में इसका पोस्टमार्टम भी हुआ है जबकि फायर मुबशर खोकर को बाएं आंख पर लगने वाली गोली जो के सर के से ही निकल गई है सारी सारी की की रिपोर्ट जारी की गई है पोस्टमार्टम की तरफ से जो कि जनरल अस्पताल में हुआ जबकि मुलजिम का ये कहना है कि जो पिस्टल मुझसे बरामद हुआ है वो चालीस हजार रुपए का मैंने खरीदा है और वो लाइसेंसी पिस्टल है इससे कबल मुलजिम नाजिम आठ साल जेल भी काट चुका है चचा के कत्ल का बदला लेने के लिए मैंने मुबशर खोखर को कत्ल किया है ये बयान दिया गया है मुलजिम की जानब से यहाँ पर सवालिया ये निशान है कि आखिर सिक्योरिटी ने मुलजिम को अंदर आते हुए चेक नहीं किया और वो मेहमानों के साथ जाकर बैठ गया जबकि सीएम की गाड़ी के पीछे पीछे जाता हुआ सीएम जब अपनी गाड़ी में सवार हुए तो उन्होंने मुबशर खोकर को फायर मार दिया सीएम साहब उस्मान बुजार साहब ने ये कहा है कि वाक़े की इंक्वायरी की जाए और इंक्वायरी करने के बाद तमाम वो लोग जो इस वाक़े में मुलव हैं उनकी एक रिपोर्ट तैयार की जाए वो तमाम लोग जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी को आसन तरीके से सरंजाम नहीं दिया उनके खिलाफ प्रॉपर तरीके से कार्रवाई की जाएगी मैं आपको वो जगह भी दिखाती हूँ जहाँ पर मुबशर खोकर को फायर मारे गए हैं आइए मेरे साथ नज यह है वो जगह जहाँ पर मुबशर खोकर को फायर मार कर कत्ल किया गया मैं उस जगह पर इस टाइम मौजूद हूँ और मेरा कैमरा मैन आपको ये जगह भी दिखाएगा आपको बताती चलूँ कि मुलजिम नाजिम और इसका भाई खोकर बरदरान के बचपन में मुलाजिम भी थे कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का ये भी कहना है कि मुलजिम नाजिम अपने चचा को उसने कत्ल किया जब खोकर बरदरान को इस बात का इल्म हुआ तो खोकर बरदरान ने फ़ौर से पुलिस को इन्फॉर्म किया और इसी जुर्म में मुलजिम नाजिम को सज़ाए मौत भी सुनाई गई ये सजाए मौत बाद में उमर कैद में तब्दील हुई आठ साल कैद काटने के बाद जब मुलजिम रिहा हुआ तो रिहा होते सार उसने ये अनहोनी कार्रवाई की है जो आप सबके सामने पुलिस इस हवाले से क्या कहती है आइए आपको दिखाते हैं जो भी सारा किस्सा हुआ वो सारे मीडिया ने ब्रेकिंग्स चलती रही और सारे मामला आपके सामने हैं ये बताइएगा कि सिक्योरिटी पर वहाँ पर आपकी फोर्स मौजूद थी जी बिल्कुल मौजूद थी हमारे डीएसपी मौजूद थे हमारे एस एच मौजूद थे हमारी पूरी रिजर्व मौजूद थी इलीट फोर्स मौजूद थी ये इन, उस पर पूरे वेन्यू पे तो प्रॉपर डिप्लॉयमेंट थी हमारी आ, बिल्कुल ठीक है जहाँ पर हम मुलजिम की बात करते हैं तो मुलजिम को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है उसकी क्या डिटेल्स हैं उसका ये है कि अभी उसके इन्वेस्टिगेशन चल रही है इट वुड बी बिफोर टाइम कि इन्वेस्टिगेशन से पहले कुछ भी हम बोलें आ, इस केस के बारे में क्योंकि ये थोड़ा सा सेंसिटिव केस है तो लेट द इन्वेस्टिगेशन फिनिश्ड फिर इस पर बात करेंगे सीएम को कॉर्डन ऑफ किया गया था जी जी बिल्कुल उनकी जो प्रॉपर सिक्योरिटी होती है दैट वॉज देयर वो और वो सीवीज में थी या आप लोगों के यूनिफॉर्म्स में थी सीवीज में भी थी हमारे यूनिफॉर्म में भी थी और सीएम साहब के साथ जो उनकी क्लोज प्रोटेक्शन अपनी होती है वो लोग भी मौजूद थे सो सिक्योरिटी वाज क्वाइट ओके नजर ये है वो जगह जहां पर मुलजिम का साथी यानी के उमर जो के मोटरसाइकिल पर मरकजी मुलजिम को लेकर आया इस दरवाजे से वो अंदर गया और जाकर उसने फायरिंग की वलीमे की तकरीब में शिरकत भी की और मेहमानों के साथ बैठकर मेहमान नवाजी भी की और फिर उसके बाद फायर मार दिया गया का साथी उमर इस टाइम पुलिस की हिरासत में है सीआईए की जानब से यह बयान जारी किया गया है कि उमर को गिरफ्तार कर लिया गया है और उमर से तफ्तीश अब मजीद जारी है उर्दू पॉइंट का काम था असल हकायक आप तक पहुंचाना जो कि हमने पहुंचाए आगे क्या डिटेल्स हैं और इस कार्रवाई के हवाले से क्या कुछ किया गया मज़ीद क्या इकदाम हैं और मज़ीद क्या किया जाएगा ये तो कानून नाफिस करने वाले इदारे ही आपको बताएंगे इसके साथ ही अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाजत दीजिए अल्लाह हाफ़